हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे क्लास 12 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से एक पोएम है जिसका नाम है सीता बाय तरु दत्त। इन्होंने लिखा है, इतना शानदार पोएम है। मैं लाइन बाय लाइन इसको आपको समझा के जाऊँगा, इतना आसान लैंग्वेज से समझाऊँगा, इतना मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग वन सेंस में ही इसको समझ लोगे, ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि BH ट्यूशन क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बस क्लिक करना है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखने के बाद अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो सबसे पहले चलिए, सीता, आपको पता ही है सीता कौन है, जो राम था रामायण का, राम उनके पत्नी थे, रामायण के कैरेक्टर। और जो तरु दत्त थे वो एक बंगाली ट्रांसलेटर थे, आपको पता है, अच्छे से पढ़िएगा उसको, अबाउट द पोएट पढ़ लीजिएगा। और उनका जो जन्म हुआ था 1856 में 4 मार्च को हुआ था, और ये जो था एंग्लो इंडियन पोएट था, एंग्लो इंडियन पोएट, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइन बाय लाइन आप लोग यहाँ पे नज़र डालिए क्या लिखा है कि 3 हैप्पी चिल्ड्रेन इन ए डार्केंड रूम। 3 हैप्पी, जो 3 बच्चे वो बहुत ही खुश थे, ठीक है, एक अंधकार रूम में वो 3 बच्चे थे। 3 हैप्पी चिल्ड्रेन इन ए डार्क एंड रूम, एक अंधकार रूम पर 3 बच्चे थे। व्हाट डू दे गेज ऑन विथ वाइड ओपन आइस। तो यहाँ पर पोएट बोलती है कि ये जो बच्चे हैं, एक अंधकार रूम पे जो है ये 3 बच्चे, वो कहाँ पर देख रहा है। गेज का मतलब देखना, ताकना, कहाँ पर देख रहा है, अब इतना बड़ा बड़ा आँखें खोल के कहाँ पर देख रहा है ये 3 बच्चे। और रूम में भी जहाँ पर है ये लोग, छोटा सा रूम, वहाँ पर लाइट नहीं है, अंधकार है, कहाँ पे देख रहा है इतना बड़ा बड़ा आंखें बना के ये 3 बच्चे, ठीक है। उसके बाद है ए डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर क्या बोला कि एक घने जंगल, घना मतलब बहुत घना जंगल है, ठीक है। ए डेंस फॉरेस्ट वेयर नो सनबीम प्राइस, इतना घना जंगल है, देखिए ए डेंस फॉरेस्ट ये भी लिख सकता था, लेकिन वो जो जंगल था बहुत ही घना था, इसको ज़्यादा फोकस किया है कि जो जंगल है, जंगल जो है ज़्यादा घना था, फॉरेस्ट ज़्यादा घना था, उधर पेड़ पौधे ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि बाहर का जो सूर्य का जो किरण होता है ना, किरण लाइट, सनबीम, वो भी अंदर नहीं आ पाता था, इतना घना जंगल था। तो हमारा यहाँ पर जो है पोएम, ज़्यादातर हम फॉरेस्ट में फोकस करेंगे, तो इसीलिए ये डेंस फॉरेस्ट ज़्यादा फोकस इसमें डाला गया है, ठीक है ना। वेयर नो सनबीम प्राइस मतलब आना, एंटर करना, वहाँ पर कोई भी सनबीम, सूर्य का किरण आ नहीं पाता था अंदर। उसके बाद एंड इट्स सेंटर ए क्लियर्ड स्पॉट, और उसी फॉरेस्ट के बीच में एक क्लियर स्पॉट थे, फॉरेस्ट के बीच में एक ऐसा जगह था जहाँ पर एकदम क्लीन था, क्लियर था, वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं था, फॉरेस्ट वहाँ पर नहीं था, उस एरिया क्लीन था। और क्लीन क्यों था, शायद वहाँ पर लोग रहते थे, है ना, वहाँ पर इस जगह पर क्लीन था। ये ऐसा एक स्टोरी है, कौन बता रहा है, अपने बच्चों को बता रहा है, ठीक है। माँ अपने बच्चों को ये बता रहा था कि एक जंगल था, ठीक है, वो जो बच्चा आँख फार फार के देख रहा था, है ना, कहाँ पे देख रहा था 3 बच्चे को, यहाँ पर उनके मम्मी होगा बता रहा है कि एक घना जंगल था, वहाँ पर चारों ओर सूर्य का जो किरण होता है अंदर आ नहीं पाता था, ठीक है ना, उसके बीचों बीच एक क्लियर स्पॉट था, एरिया था। देयर ब्लूम जाइगेंटिक फ्लावर्स ऑन क्रीपर्स दैट एम्ब्रेस, तो जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, ठीक है ना। आपके पास अगर किताब है तो बैक साइड देखिएगा, मीनिंग लिखा हुआ है कि एक जाइगेंटिक फ्लावर, बड़ा सा फ्लावर फूल खिल रहा है, कहाँ पर, ऑन क्रीपर्स, क्रीपर्स का मतलब लताए, लता होता है ना जो बड़ा बड़ा पेड़ में ऐसे 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 उठ जाता है, हाँ, पकड़ लेता है पेड़ में, तो उसको लताए बोला जाता है। तो वो लता का जो फूल है बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है ना। दैट एम्ब्रेस टॉल ट्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है कि गले लगा लेना, इतना क्रीपर्स जो है पेड़ को गले लगा लिया है, इतना ऊपर तक जा चुका है, और वहाँ का जो फूल है ना बहुत बड़ा बड़ा है, जाइगेंटिक है। वेयर इन ए क्वाइट लूसिड लेक, लूसिड का मतलब होता है क्लियर, बैक साइड किताब के बैक साइड देखिए उसका मीनिंग लिखा हुआ है, और लूसिड का मतलब होता है कि क्लियर। और वही बीचों बीच एक क्या था, एक लेक था, एक झील था, और वो झील बहुत ही क्लियर था, ठीक है, उसका जो पानी था एकदम क्लियर था। द वाइल क्या लिखा है, द वाइट, यहाँ पर वाइल लिखा हुआ है, वाइट होगा, ठीक है ना, सफ़ेद। द वाइट श्वेंस ग्लाइड, तो यहाँ पर केवल एक सफ़ेद, एक सफ़ेद हंस, ठीक है ना, हंस, एक सफ़ेद हंस वहाँ पर तैर रहा था, उस झील में एक सफ़ेद हंस तैर रहा था।
दे आर वेयरिंग फ्रॉम द ब्रेक, वेयरिंग का मीनिंग भी दिया हुआ है, बैक साइड देखिएगा किताब के बैक साइड, और वेयरिंग का मतलब होता है फरफराना, वो पंखों से ऐसा 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 फरफरा रहा था, पानी में फरफरा रहा था, ठीक है। वेयरिंग फ्रॉम द ब्रेक द पीकॉक स्प्रिंग, और जो वहाँ पर मोर होता है, मोर मोर क्या कर रहा था, मोर बाबर था, कूद रहा था मोर। द हार्ट्स ऑफ वाइल्ड डियर रेस, हार्ट का मतलब होता है झुंड, जो डियर हिरन का जो झुंड होता है वहाँ पर रेस कर रहा था, भागादौड़ी कर रहा था, इधर से इधर, इधर से इधर जा रहा था। जो फॉरेस्ट में जो जो होता है वही लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। दे आर पेचेस ग्लीम विथ येलो वेविंग ग्रेन, ग्रेन का मतलब तो आपको पता है अनाज, और वहाँ पर ग्लीम का मतलब होता है चमकना, कि वहाँ पर इतना सारा अनाज था, इतना सारा अनाज का पौधा था, ठीक है ना, इतना अच्छा फील्ड था, येलो कलर था, मतलब पक चुका था अनाज, पक चुका था, और वो क्या कर रहा है, वेविंग, ऐसा ऐसा कर रहा है, हवा में ऐसा ऐसा करता है ना, ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये लग रहा था कि वहाँ पर कोई रहता है, क्योंकि कोई रहेगा तभी जाके ये पौधा लगाएगा, है ना, ये क्या है यहाँ पर, ग्रेन, अनाज उगेगा, कोई रहता है इसीलिए ये सब कर रहा था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, दे आर ब्लू स्मोक, स्मोक का मतलब तो आपको पता ही है, ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंस अल्टर राइजेस लाइट। तो अल्टर्स का मैंने किताब के पीछे देखिए क्या लिखा है, अल्टर्स क्या होता है, जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं, जो थाली होता है ना, थाली वहाँ पर हम धूप अगरबत्ती वगैरह ये सब लगा के भगवान पे ऐसा दिखाया जाता है थाली, तो थाली में जो अगरबत्ती वगैरह होता है वहाँ से धुआं निकलता है ना, तो उसको अल्टर कहते हैं थाली को। तो यहाँ पर क्या बोला है देखिए, ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंस अल्टर्स राइजेस लाइट, तो वो जो अल्टर था, ठीक है, वहाँ से ब्लू कलर का धुआं निकल रहा था, जहाँ से थोड़ा सा लाइट लाइट जैसा दिखाई दे रहा था, और ऐसा वहाँ पर ही होता है जहाँ पर लोग रहता है, ये अपने आप तो नहीं होगा, अपने आप तो होगा नहीं, जहाँ पर लोग रहेगा लोग ही कर सकता है या, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। पूजा पाठ क्या होगा किसी ने, इसीलिए धुआं निकल रहा था। उसके बाद देखिए क्या है, ऊँचा कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ, उसके बाद है कि दे आर ड्वेल्स इन पीस, और वहाँ पर शांत से रहते थे, ठीक है, वहाँ पर शांत से रहता था, कौन रहता था, द पोएट एंकोराइट। तो यहाँ पर एंकोराइट का मीनिंग है कि एंकोराइट मतलब जो ये होता है ना, सन्यासी हो, यहाँ पर वाल्मीकि की बात कर रहा है, जो जंगल में अकेला रहता है, और जो रामायण लिखा था ये वाल्मीकि जी ने लिखा था, और वो जंगल में थे, तो यहाँ पर जो स्टोरी बताएगा रामायण का हो, सीता का हो, स्टोरी जो बताएगा, कौन बताता है बाद में, वाल्मीकि जी बताता है। यहाँ पर देखिए किताब के बैक साइड, अगर आपके पास किताब हो तो बैक साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पोएट एंकोराइट, वन हु लिव्स इन सिक्लूजन, जो अपने आप अकेला रहता है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है। और यहाँ पर वाल्मीकि जी शांत से जंगल में रहते थे, उस एरिया में जहाँ पर इसका जो बात बोला गया है, वहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम था, उस आश्रम में वाल्मीकि जी रहते थे। बट हु इज़ दिस फेयर लेडी, तो यहाँ पर पोएट ने बोला कि लेकिन ये सुंदरी जो है, लड़की है, सुंदरी लेडी जो है, औरत है, ये कौन है सुंदरी, तो यहाँ पर सीता के बारे में बोला गया है, सीता के बारे में बोला गया, हु इज़ दिस फेयरी लेडी, ये फेयरी लेडी कौन थे, सीता के बारे में बोला गया। नॉट इन वेन शी वेप्स, बोल रो रही थी, और ये जो रोना है ये तो बिना कारण के हो नहीं सकते, ये तो बिना कारण नहीं रो सकते, रो रहे थे ना सीता, इसके बारे में बोला, फॉर लो एट एवरी टीयर्स शी शेड्स, और यहाँ पर बोला क्योंकि क्या हो रहा था कि उसके आँखों से आंसू बह रहा था, ठीक है ना, एट एवरी टीयर शी शेड्स, उसके आँखों से आंसू बह रहा था, किसका, सीता का, सीता जी का आँखों से आंसू बह रहा था। टीयर्स फ्रॉम थ्री पेयर्स ऑफ यंग आइस फॉल अमेन, तो यहाँ पर थ्री पेयर्स का मतलब वो जो तीन बच्चे थे, जो पूरा आँख फाड़ के देख रहा था किसी और, सुन रहा था अपने माता जी को सुन रहा था, तो यहाँ पर सीता के बारे में बोला गया है कि आँख फाड़ के कुछ सोच रहा था, चल रहा था उनके दिमाग में। तो तीन बच्चे भी रो रहे थे, माताजी भी रो रहे थे, और ये तीन बच्चे भी रो रहे थे, माताजी को देख के, माताजी रो रहा है, इतना दुख दर्द झेल चुका है माताजी, ये सुन के ये तीन बच्चे भी रो रहे थे। अमेन का मतलब होता है वायलेंटली, इतना ज़्यादा वायलेंट के कारण, ठीक है ना, सोच रहा था, रो रहा था। ए बोर्ड, बोर्ड का मतलब थोड़ा सा झुकना, झुक जाना सम्मान देने के लिए। एंड बोर्ड इन सोरो आर द थ्री यंग हेड्स, जो तीन लड़के थे, छोटा छोटे बच्चे जो थे तीन, ये दर्द के कारण, इतना दर्द फील कर रहा था, ये पेन फील कर रहा था, तो अपने माता जी को सर को झुका के उनको सम्मान दिया कि आपने हमारे लिए बहुत दर्द झेला है ना, माता जी को थोड़ा सा सम्मान दिया माथे को झुका के। इन इट्स एन इट इज़ एन ओल्ड ओल्ड स्टोरी, ये क्या बोला कि ये जो स्टोरी है बहुत बहुत पुराना स्टोरी है, बहुत पुराना स्टोरी है, ठीक है ना। एंड द ले का मतलब होता है पोएम की स्टोरी, द ले हुई हैज इवोक्ड हैथ सेट सीता फ्रॉम द पास्ट, जो स्टोरी सीता याद कर रहा था, सीता याद कर रही थी और अपने बच्चे को बता रही थी, ठीक है, कि मेरे पास्ट में ये हुआ, सीता भी रो रही थी और ये देख के उनके बच्चे भी रो रहा था,
ठीक है ना। सीता जी अपने पास्ट को याद कर रहा था इस बाय मादर सन। तो देखिए ये स्टोरी किसका बता रहा था, ये स्टोरी सीता जी की स्टोरी बता रहा था एक माँ अपने बच्चे को। ये जो टोटल स्टोरी आपने पढ़ा है ये एक स्टोरी एक माता जी अपने बेटे को बता रहा था। सीता जी की स्टोरी जो है, सीता जी रो रहा था, उनके बच्चे भी रो रहे थे। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी एक माँ, हम बता सकते हैं कि तोरु जी के माँ, हाँ तोरु दत्त जी के माँ तोरु को और उनके दो भाई बहनों को, जो तीन थे ना, तीन थे उसमें एक तोरु थे और उनके दो भाई बहन, तोरु जी के माता जी रूम पे बैठ के स्टोरी बता रहा था सीता जी के बारे में। तो थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं सीता जी के बारे में, कंपेयर किया गया है कि तोरु जी के लाइफ भी सीता की तरह ही था, ठीक है ना। इस बाय मदर संग इट इज हास्ट एट लास्ट एंड मेल्स द पिक्चर फ्रॉम देयर साइट अवे। तो यहाँ पर बोला कि बच्चे इतना रो रहे थे और वो माता जी सोचने लगा था कि ये बच्चे तो बहुत रो रहा है, मुझे अभी यहाँ पर रोकना पड़ेगा स्टोरी जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो रोता रहेगा। एंड मेल्स द पिक्चर फ्रॉम देयर साइड अवे। तो यहाँ पर क्या बोला कि मैं अगर अभी रोक दूंगा तो इनके आँखों के सामने से स्टोरी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इनके आँखों में जो दृश्य चल रहा था, इनके आँखों के सामने सीता जी के वरन ये सब देख रहा था, स्टोरी देख रहा था ना, एक फ्लैश लाइट जैसा चल रहा था। ये माता जी बोले कि ये स्टोरी मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, तो उनके सामने जो पिक्चर चल रहा है, मूवी चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, मुझे जल्दी ख़त्म करना है स्टोरी। तो ख़त्म कर दिया स्टोरी, ख़त्म। हास्ट का मतलब पीछे दिया गया है, देखिएगा किताब के पीछे, और हास्ट का मतलब ख़त्म ही होता है। येट शेल दे ड्रीम ऑफ इट अनटिल द डे। और यहाँ पर पोइट ने क्या बोले कि जो भी ये उनका स्टोरी ख़त्म हो चुका है, लेकिन माता जी क्या बोलता है कि फिर भी ये बच्चे रात को सपना देखेगा इसके बारे में। मैं स्टोरी तो ख़त्म कर दिया लेकिन फिर भी क्या करेगा बच्चे रात को ड्रीम देखेगा, सपना देखेगा इसके बारे में, ठीक है ना। देखिए अनटिल द डे, जब तक दिन नहीं हो जाता है, मतलब रात में ये सपना देखते रहेगा, जो स्टोरी मैंने बताई इसके बारे में, रात में भी ये लोग सोचता रहेगा, रोता रहेगा। व्हेन शेल दोज चिल्ड्रन बाय देयर मदर्स साइड। तो यहाँ पर क्या बोला कि उसके बाद माता ने क्या किया, इन तीनों को अपने गले में लगा लिया, बाहों में ले लिया, गले में लगा लिया ताकि ये ना रोए, सपना ना देखे, तो बाहों में ले लिया। और उसके बाद बोला गैदर आ मी एस आर्स्ट एट इवेंटाइड मतलब इवनिंग। तो यहाँ पर क्या बोलता है, काश ये सारे चीज़ें अगर दोबारा मुझे मिल पाता। अभी क्या बोल रहा है कि तोरु जी और उनके दो भाई बहन थे और माता जी, ये अभी जिंदा नहीं है, मर चुका है, ठीक है ना। सिर्फ तोरु जी जिंदा है और फिर भी कितना साल जिया, 21 ईयर्स तोरु जी सिर्फ 21 साल तक जिंदा रहा। तो यहाँ पर क्या बोला कि तोरु जी सोच रहा था कि अगर मेरे भाई बहन मेरा माता जी अगर फिर से लौट आता तो कितना अच्छा होता, काश दोबारा मिल पाते हैं, काश ऐसा हो पाता कि वो लौट आते। यहाँ पर उसके बारे में बोल रहा है, सीता जी के साथ अपने जो पास्ट है उसको कंपेयर कर रहा है तोरु जी। सीता जी जितना दर्द झेला है, वैसा का वैसा दर्द तोरु जी भी झेली थी, ठीक है ना। और ये रामायण की स्टोरी है, रामायण की स्टोरी तोरु जी के लाइफ में थोड़ा सा मेल दिखाई देता है, और ये हम बता सकते हैं ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। तोरु जी के ऑटोबायोग्राफी में भी ऐसा ही है, क्योंकि उनके लाइफ के बारे में बताया गया है ना। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ। और जाने से पहले प्लीज़ फिर से एक बार प्लीज़ कहता हूँ कि बी एस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आप मेरा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, बी एस ट्यूशन क्लासेस करके हैं, या फिर विश्वजी सूत्रधर करके हैं, वहाँ पर मुझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर सेम टू सेम बी एस ट्यूशन क्लासेस करके हैं। तो थैंक यू सो मच।